अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आईआईसी क्विज कंपटीशन में आपका इस्तकबाल है। उम्मीद करते हैं कि आपने आईआईसी क्विज का ऐप डाउनलोड कर लिए होंगे। अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्विज कैसे करना है। यहाँ स्टार्ट बटन पर क्लिक करिए। क्विज में पार्टिसिपेट करने और प्राइज और सर्टिफिकेट पाने के लिए आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ आपको अपना नाम, कंट्री, स्टेट, सिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिल करना होगा ताकि आपको अपना इनाम मिल सके इंशाल्लाह, और ताकि कभी आप अगर अपना पासवर्ड भूल जाएं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड करके रिट्रीव भी कर सकें अपने अकाउंट को। इसके बाद यहां कोई भी एक पासवर्ड बना के डालिए जो आपको याद रहे, फिर रजिस्टर कर दीजिए। फिर आपका क्विज स्टार्ट हो गया। अब ये आ गया सवाल नंबर 1। कुरान जैसी एक सुरा भी नहीं बना सकते, ये चैलेंज अल्लाह ने किस आयत में किया है? अब आपको सूरह बकरा की आयत नंबर 1 से लेकर 29 तक पढ़ना है, उसमें जवाब ढूंढना है, और जवाब मिल जाए तो आपको यहां पर आकर आयत नंबर सबमिट करना है कि कौन सी आयत में जवाब मौजूद है। अब इसका कलर चेंज हो गया, मतलब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब अगर आपको लगता है कि आपने गलत जवाब दिया है या कोई मिस्टेक हो गई है तो आप एडिट योर क्वेश्चन इस बटन पर दबाकर आप सही जवाब सबमिट कर सकते हैं। ऐसे आप कितनी भी बार चाहें एडिट कर सकते हैं। याद रखिए कि आपका आंसर वही माना जाएगा जो आपका लास्ट आंसर है। अब नीचे देखिए एक्स्ट्रा मार्क्स बटन पर, इसमें आपको 5 मार्क्स मिल सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ ये करना है कि इस ऐप को शेयर करना है 5 लोगों से व्हाट्सएप में या 5 ग्रुप्स में। जब आप शेयर कर देंगे तो आपको 5 बोनस मार्क्स मिल जाएंगे। याद रखिए कि 1 मार्क से भी हार और जीत का फैसला बदल सकता है। आइए देखते हैं कैसे शेयर करें। आप यहां पर क्लिक करें, शेयर बटन पर क्लिक करें और व्हाट्सएप पर क्लिक करके भेज दीजिए। 5 मार्क्स आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक बार। ये ज्वाइन फॉर अपडेट्स बटन है, यहां पर आप ज्वाइन करके आप हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्विज के हर अपडेट मिलते रहेंगे, कंप्लीट जानकारी मिलती रहेगी। एक अच्छी आइडिया ये है कि आप अपना एक टाइम सेट कर दीजिए और मोबाइल में डेली का एक अलार्म लगा दीजिए क्विज करने के लिए, ताकि आप भूल ना जाओ, आखिर में लाइफ बिजी होती है। और कुरान पढ़ने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ना ना भूलें। अल्लाह से दुआ करते रहें कि अल्लाह हम सबको हिदायत के रास्ते पर चलाएं, कुरान को समझकर उस पर अमल करने वाला बना दें। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।